सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको एक बेस्ट रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप जो है रिचार्ज करके पैसे कमाना चाहते हैं या आप एक रिटेलर है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जो कि ये एप्लीकेशन बेस्ट रिचार्ज एप्लीकेशन है, जो कि मैं खुद ही इस एप्लीकेशन को यूज काफ़ी दिनों से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे रिचार्ज कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे हम रिचार्ज कर चुके हैं और इस एप्लीकेशन को मैं काफी दिनों से यूज करता हूं। तो मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन में कैसे आपको रिचार्ज करना है, कैसे पैसे को ऐड करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, सब कुछ मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे जो है आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको जो है कमीशन चार्ट यहां पे आपको दिख जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप यहां पे कमीशन चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे एक आता है कमीशन रिपोर्ट, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि अभी तक हमको कितना कमीशन मिला, तो आप यहां पे देख सकते हैं कमीशन अर्न, जो कि मैं अभी तक जो है यहाँ पे 9,459 रुपया जो है कमीशन कर ले चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दिस मंथ का रिचार्ज देख सकते हैं, लास्ट मंथ का रिचार्ज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लास्ट मंथ रिचार्ज जो है 16,517 रुपया का मैं अभी तक जो है लास्ट मंथ का रिचार्ज कर चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एड बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा और आपको यहाँ पर बैलेंस दिख जाएगा कि आपके रिचार्ज के एप्लीकेशन में कितना बैलेंस है आपके वॉलेट में। तो जैसे कि चलिए मैं ऐड बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस ऐड करने के लिए यहाँ पे 0% का चार्ज है, यानी देख सकते हैं यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है कि आप कितना अमाउंट जो है वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2,000 रुपया ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे यूजिंग, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो रिडायरेक्ट हो जाएगा जैसे कि एप्लीकेशन पे कि आप किस एप्लीकेशन से ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फोन पे गूगल पे का ऑप्शन आ जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे का ऑप्शन आ चुका है, पेटीएम, भीम, अमेजोन पे, तो आप जिससे भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फोन पे का यूज करूंगा। उसके बाद प्रोसीड एंड पे, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हम फोन पे एप्लीकेशन के अंदर साइन इन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे जो है देख सकते हैं पे का ऑप्शन है, तो चलिए मैं पे पे क्लिक करके और UPI पिन डालकर हम पैसे को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि फाइनली जो है यहां पे पैसा ऐड हो चुका है, पैड 2000 सक्सेसफुली यहां पे कुछ इस तरीके से। और मैं यहां पे जो है इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूं बैक करके, तो चलिए मैं यहां पे बैक करता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं कि पहले से जो है मेरे रिचार्ज एप्लीकेशन में यहाँ पे 30 रुपया था, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं 2030 रुपया हो चुका है, जो कि हम पैसे को ऐड यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको रिचार्ज कैसे करना है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीपेड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है DTH रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको गैस का ऑप्शन मिलता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए मैं प्रीपेड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करके आपको लैब यहाँ पर दिखा देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जो भी मोबाइल नंबर पर हम रिचार्ज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ और ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है कि किस कंपनी का सिम है और कहाँ का है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन ले लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि आप कितने का अमाउंट रिचार्ज करना चाहते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे व्यू प्लान पर क्लिक करके आप प्लान भी देख सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं व्यू प्लान पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लान का ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस प्लान से रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्लान मिल जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 19 रुपया का रिचार्ज करूँगा और उसके बाद पे सबमिट, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको पिन मांगा जाएगा। तो आपको जो है रिचार्ज एप्लीकेशन में जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहां पे वो पिन डाल देना है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाना है। तो चलिए मैं यहां पे पिन डाल देता हूं। पिन डालने के बाद जो है आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा और बहुत ही फास्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है रिचार्ज हो चुका है और रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड यहाँ पे लिख करके आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख करके आ चुका है। और यहाँ पे आपको सबसे पहली खास बात तो ये है कि आपको करेंटली यहाँ पे कमीशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको दिख भी जाता है कि कितना आपको कमीशन मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 रुपये के रिचार्ज पे मुझे कितना कमीशन मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ आपको जो रिचार्ज हिस्ट्री के ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे कमीशन दिख जाएगा कि किस रिचार्ज में कितने का कमीशन मिला है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 155 का रिचार्ज किए तो यहाँ पे 3 रुपया कुछ पैसा का कमीशन मुझे मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारे मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन से रिचार्ज करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 239 का हम रिचार्ज किए तो 7 रुपया कुछ पैसा यहाँ पे मुझे कमीशन मिला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो कमीशन भी देख सकते हैं कि किस रिचार्ज पे मुझे कितने का कमीशन मिला, ये भी
भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है, कैसे अकाउंट बनाना है। और इस एप्लीकेशन के अंदर एक खास बात यह है कि आप रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं, जो कि आप रेफर करके पैसे कमाने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रेफर एंड अर्न का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं माई रेफरल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप रेफर करके पैसे कमा सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ कि आपको एक रेफर पे 25 रुपया मिलेगा, जो कि आप 5 फ्रेंड को रेफर करेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ आपको उसी को रेफर करना है जो रिचार्ज कर सके, यानी कि जो जो है एप्लीकेशन से रिचार्ज करेगा उसी को आपको रेफर करना है, क्योंकि रिचार्ज करेंगे तभी आपको यहां पे बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको याद रहे उसी को रेफर करना है जो इस एप्लीकेशन से रिचार्ज करे। मैं आपको बता दूं जैसे कि आप बैक आएंगे तो आपको इसमें कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको जो है डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो आपको जैसे कि चलिए मैं यहां पे जो है लॉग आउट कर लेता हूं, चलिए कुछ इस तरीके से लॉग आउट कर लेता हूं। अब आपको क्या करना है तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आपको इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन का नाम है मैक्स पे, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। जब आप जो है इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप का, तो आपको जो है साइन अप पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे अपना फुल नेम डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेफरल आईडी डालना है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, नहीं तो रेफरल आईडी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको रेफरल आईडी डाल देना है और उसके बाद जो है आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा, और उस ओटीपी को डालकर जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे आपका जो है यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मेरा जो है ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी क्रिएट किए होंगे वो आपको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन का सक्सेसफुली आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रिटेलर हैं या आप रिचार्ज करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर यूज करें, जो कि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूं, जो कि ये एप्लीकेशन जो है बेस्ट रिचार्ज एप्लीकेशन है, जो कि स्पेशल फॉर यू रिचार्ज एप्लीकेशन। तो मैं आपको जो सजेस्ट करता हूं कि इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर यूज़ करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।